फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपको ओट्स की हलीम बनाना बताएंगे। ये बहुत ही हेल्थी एंड टेस्टी रहती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओट्स की हलीम बनाने के लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको 5 डली प्याज चाहिए, 200 ग्राम गोश्त चाहिए, 1 बॉल ऑयल, 200 ग्राम ओट्स, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून मिर्ची, 1 बॉल दही, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्ची, 2 नॉर्मल साइज नींबू। अब हमने पैन चढ़ा लिया है, अब हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अनियन ऐड करेंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। हमें प्रेशर कुकर ले लेना है, उसमें 4 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेना है। वॉश किया हुआ गोश्त ऐड कर लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है, हल्दी ऐड कर लेना है, मिर्च ऐड कर लेना है, गरम मसाला ऐड कर लेना है, दही ऐड कर लेना है, मैं उसमें हरा मसाला ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर उसमें 1 कप वाटर ऐड करना है। अच्छे से सॉफ्ट होने तक 5 to 6 विजल्स के लिए अच्छे से गोश्त सॉफ्ट हुए तक 5 to 6 विजल्स के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम उसे निकाल रहे हैं। हमें उसमें ये फ्राई करी हुई प्याज ऐड करने ना रहे हैं। अब हम उसमें 1/2 डली ऑनियन ऐड करेंगे, अब उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है, उसमें नमक ऐड करना है, गरम मसाला ऐड करना है, अब हमें उसमें हरा मसाला ऐड करना है, 1 जग वाटर ऐड करना है। अगर आपको पानी कम लगे तो और थोड़ा ऐड कर लीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। हमारे 5 to 6 विजल्स हो चुके हैं, हमारा गोश्त सॉफ्ट हो चुका है, अब हमें उसे ग्राइंड कर लेना है। हमने गोश्त को ग्राइंड कर लिया है, अब हम प्रेशर कुकर में गोश्त सॉफ्ट करे थे उसका लिक्विड ऐड कर लेना है। अब अच्छे से ओट्स को पका लेना है मिक्स करके। हमारे ओट्स अच्छे से पक चुके हैं, हमें उसमें ये फ्राई करी हुई प्याज ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे ओट्स रेडी हो चुके हैं, हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। हमने ओट्स पकाते समय लेमन ऐड कर लिया था, आप भी ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। हमारी हम प्याज उसमें ऐड कर लेंगे। अब हमारे ओट्स रेडी हो चुके हैं, अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। ये बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय।